सपने देखना किसको नहीं अच्छा लगता है भैया। हाथ में एक एप्पल का आईफोन हो ये सपना है, वन प्लस का एक फोन हो हाथ में ये तो सपना है, पर सपना अगर सपना होके रहता है उसमें कोई दम नहीं होता है। अब हर एक ड्रीम्स को रियलिटी में फुलफिल करना वो होता है काम। वन प्लस का कोई फोन या आईफोन का एप्पल का कोई फोन, अगर उसका प्राइस आप देखोगे इन जनरल फोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं दिल में चुभन भी होता है, भैया मुझे खरीदना है पर पॉकेट परमिट नहीं कर रहा है। अब ये पॉकेट भी परमिट करेगा, आपका दिल भी चाहेगा। वन प्लस एट प्रो आ रहा है, पर हाँ वन प्लस एट लाइट भी आ रहा है, पर ये जो एट प्रो आएगा इसका लेवल कुछ अलग ही होगा और जो प्राइस रहता है इन जनरल उससे कम रहेगा। चलिए बात करते हैं वन प्लस एट प्रो के बारे में, कब आएगा, कौन से स्पेक्स एंड फीचर्स के साथ आएगा, कौन से प्राइस में आएगा। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। वन प्लस अब 2020 में काफी अच्छा काम करेगा, ये तो रट बना के लिया है वन प्लस, और हम भी वेट कर रहे हैं भाई वन प्लस काफी अच्छे अच्छे फोन हमें दो। और वन प्लस अगर इसी प्राइस में कोई फोन ले आता है ना तो चाहे वो किसी ब्रांड हो ना उसका छुट्टी हो जाएगा। वन प्लस एट प्रो फरवरी के एंड तक या मार्च के बिगिनिंग पे आपको मिल जाएगा आपके हाथ में, यानी ये लॉन्च होगा। अब इसका प्राइस आगे जाके मैं कहूंगा, और उससे पहले इसका जो स्पेक्स निकल के आया है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पूछो मत यार, वन प्लस का जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी होता है वो कहीं ना कहीं काफी बेहतर होता है। पीछे में ग्लास रहेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का एहसास रहेगा, पीछे में ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आ रहा है और साइड में मेटल फ्रेम आ रहा है, और ये जो साइड में मेटल फ्रेम होता है ना ये मुझे काफी अच्छा लगता है, मुझे K20 और K20 प्रो में मिला था। स्प्लैश प्रूफ होगा और यहाँ पे वन प्लस का लोगो होगा और वहां पे कैमरा भी आपको मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप डिस्प्ले 6.65 इंचेस का एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, नॉच मिलेगा, सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा, HDR10 का सपोर्ट मिलेगा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी आपको यहां पे मिल जाएगा, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 ये तो रहेगा, बेजल्स काफी कम रहेगा तो डिस्प्ले भी आपको काफी जमदार मिल रहा है। अब इसका रैम एंड रोम वेरिएंट कहा जा रहा है 8GB 12GB इस तरह के वेरिएंट में ये आएगा, और यहां पे 128GB 256GB का रैम एंड रोम वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पे एक दिक्कत आपको होगा, यहां पे कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये डुअल सिम आप यूज कर सकते हो। EFS 3.1 को ये सपोर्ट करेगा और LPDDR4X के साथ रैम के साथ ये आ रहा है। अभी यहां पे और एक बात, प्रोसेसर क्वालकम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर आपको यहां पे मिल जाएगा, 7 नैनोमीटर जो प्लस होता है फिनपेट टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है, एड्रिनो 650 का जीपीयू भी आपको मिलेगा, तो गेमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, हीट नहीं होगा, ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा है और यहां पे गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा देगा। अभी इसमें कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा f1.6 अपर्चर के साथ, जो दूसरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस f2.4 अपर्चर के साथ, आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस f2.2 अपर्चर के साथ, और 16 मेगापिक्सल का आपको एक सेल्फी कैमरा मिलेगा f2.0 अपर्चर के साथ। यहां पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, जायरो बेसिस आपको EIS मिलेगा, आपको सुपर स्लो मोशन मिलेगा, टाइम लैप्स मिलेगा और नाइट मोड भी मिलने वाला है, तो काफी अच्छा होगा इसका कैमरा क्वालिटी। बैटरी, यहां पे बैटरी कहा जा रहा है 4000 के ऊपर ही आएगा, और 30 वाट का आपको डैश चार्जर भी मिल जाएगा और वो बॉक्स में ही रहेगा, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है यहां पे आपको, और एक कह दे APTX का सपोर्ट भी रहेगा ब्लूटूथ में, इससे आपको साउंड क्वालिटी काफी उम्दा मिलने वाला है। बहुत सारे ब्लूटूथ ब्रांड अभी जो APTX इसका सपोर्ट दे रहा है, इससे आपका जो साउंड क्वालिटी म्यूजिक क्वालिटी वो काफी अच्छा हो जाता है। NFC का सपोर्ट रहेगा और ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट आपको रहेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, फेस अनलॉक का फीचर्स होगा, Android 10 में ये रन करेगा, और ऑक्सीजन OS का लेटेस्ट वर्जन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो ये सब मिला के आ रहा है वन प्लस एट प्रो। अब इसका प्राइस क्या होगा, कहा जा रहा है 30,000 के अंदर ही आना चाहिए। अगर इसी प्राइस रेंज में वन प्लस एट प्रो लॉन्च होता है तो मैं कहूंगा एक रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि जो प्राइस होता है वन प्लस का वो काफी एग्रेसिव होता है, मीन्स इसका दाम बहुत ज्यादा होता है। अगर इससे कम होता है तो आप एक बार टेस्ट कर सकते हो।